वेलकम गाइस, आप सबका सॉल्यूशन फॉर टेक पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक वेब पेज बनाने वाले हैं जिसमें हम ऑनलाइन शू स्टोर के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें हमने सिंपल HTML और CSS यूज़ किया है और एक अच्छा सा फ्रेमवर्क यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जो कि सिंपल HTML और CSS में ही होगा। इसमें हमने कोई JavaScript को यूज़ नहीं किया है। इसमें जो बेसिकली हमें शू स्टोर के बारे में पता चल रहा है, जिसमें हमें अबाउट, कॉन्टैक्ट, रिव्यू, साइनअप पेज है और गेट ऑफर, शॉप नाउ, ये सारे ऑफर्स भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और इस पूरी वीडियो में हम आपको इसकी कोड के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमने कौन कौन सा कोड और कब कब इसको इस्तेमाल किया है। और इसके बाद जो है आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे अपना जो शू है उसको रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे eCommerce.html नाम का मैंने एक फ़ाइल को सेव कर लिया है। तो वहाँ पे मैंने अपना HTML का कोड लिखा है, जिसमें मैंने अपना ब्रांड नेम, मेन बॉक्स, लेफ्ट टैग, FA शॉपिंग कार्ट नाम की जो मेरे पास क्लासेस मैंने बना ली हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद जैसे कि ये मेरी मेन क्लासेस थी, इसके बाद मैं एक और मैंने जो यहाँ पे आई क्लास ली है उसमें मैंने स्टाइल फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 40 पिक्सल कर दिया है और जो कलर है इसका मैंने रेड कर दिया है। और इसके बाद मैंने अभी डिव को क्लोज़ कर दिया है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग यूज़ करने वाला हूँ, जिसको मैंने H1 नाम से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू सॉल्यूशन फॉर टेक। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूंगा। क्लोज़ करने के पहले मैं यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक जो है टैग यूज़ कर लिया है। ब्रेक टैग बेसिकली जो होता है ये ब्रेक देने के लिए होता है कि जो हमारी ऊपर लाइन है, जो नेक्स्ट हमारा कोई भी स्ट्रिंग आ रही है वो नीचे उस लाइन के नीचे आए। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रेक यूज़ कर लिया है और ब्रेक में मैंने रेडी फॉर यूज़ किया है। ब्रेक के बाद मैं एक नया टैग यूज़ करने वाला हूँ HTML में, जिसमें हम स्पान नाम से इसको यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग, और मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है आपके लिए सेट कर दिया है और स्पान को मैंने क्लोज़ कर दिया है और H1 टैग को भी मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे H3 टैग को शुरू करने वाला हूँ। H3 जो है उसमें मैं बेसिकली सॉल्यूशन फॉर टेक, जो कि मेरी कंपनी का नाम है, तो मैं उसके बारे में कुछ ओवरव्यू दूंगा कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर टेक इज़ ऑलवेज प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज। ये मैंने एक यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया है। तो उसके बाद मैं ये भी लिख देता हूँ टू देयर कस्टमर्स, और मैं यहाँ पे H3 टैग जो है मेरा अभी मैं उसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। तो उससे पहले हम एक ब्रेक भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक को यूज़ किया, उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि चलो एक फिर से मैं एक ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा पेज बनने वाला है वो उसमें काफ़ी स्मॉल आप देखोगे कि वहाँ पे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसलिए ब्रेक्स यूज़ कर रहा हूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो लाइन वाइज आए और वो जितना मेरे पास स्पेस अवेलेबल है उसमें वो कवर हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा बड़ा फ्रेमवर्क बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्रेक नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप नहीं भी करो। तो उसके बाद एक नई क्लास मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने डिव क्लास और इसका नाम मैं SEC रख देता हूँ। तो इसके बाद जो है मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अभी मैं फिर से डिव टैग को स्टार्ट कर रहा हूँ। डिव के अंदर मैंने उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो मेरा टैग आए उसमें मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, और जैसे कि आपको पता है कि ए हॉफ जो होता है ये लिंक के लिए होता है, तो मैं वहाँ पे अबाउट जो है यूज़ कर रहा हूँ। अबाउट के बाद इसी को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और मैं बस जैसे जहाँ पे मैंने पहले अबाउट लिखा था वहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा, और मैं वहाँ पे अभी प्राइस कर दूँगा। तो प्राइस के बाद मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक नया मेन्यू यहाँ पे मैं बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेस्ट ऑफर्स क्या चल रहे हैं हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के पास, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें
बेस्ट ऑफर्स जो है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे साइन अप जहाँ साइन इन की ऑप्शन भी दे सकता हूँ। अगर आप ये नहीं देना चाहते हो तो आप रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रजिस्टर में बेसिकली आप आगे दो कॉलम बना सकते हो जिसमें आप साइन इन और साइन अप दोनों की ऑप्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर डिव को क्लोज़ कर रहा हूँ। डिव के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ करूँगा, क्योंकि जो बेसिकली मेरा शू स्टोर है वो एक इमेज के ऊपर ही सारा शो करेगा, तो मैं वहाँ पे एक इमेज यूज़ करूँगा। तो इमेज के लिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से एक किसी अच्छी सी वेबसाइट से मैंने एक शू को कॉपी किया है, और मैंने वहाँ से जो अभी क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अपने सब लाइन पे जहाँ पे मैंने ये शू जो डाउनलोड किया हुआ उसका जो पाथ है तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा। आप यहाँ पे जिस ऐसी कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो जिसके आप सेल करना चाहते हो, और जहाँ जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हो कि ये जो बेसिकली ये वेबसाइट है ये चीज़ का सेल करती है। तो यहाँ पे आप डॉट पीएनजी की ही इमेज यूज़ करें, क्योंकि पीएनजी में क्या होता है कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो पीएनजी जो है वो वेबसाइट के लिए बेस्ट पिक्चर्स मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता और जो पिक्चर की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बटन्स यूज़ कर रहा हूँ, और बटन की क्लास मैंने btn1 रख ली है, और यहाँ पे मैं नीचे बटन में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो शॉपिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे शॉप नाउ ही कर देता हूँ, क्योंकि शॉप नाउ जो है वो एक स्मॉल होता है और बटन में अच्छा एक लुक देता है हमें। तो एक तो बटन मैंने ये यूज़ कर लिया, और इसी को मैं फिर से कॉपी करूँगा नीचे, और इसका मैं जो क्लास है ये बटन टू कर दूंगा, btn2 कर दिया मैंने, और इसके अंदर जो मेरा नाम है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसका बटन टू का नाम मैं बेस्ट डील कर दूंगा, और ये काफ़ी अच्छा मेरे को वहाँ पे दिखाई देगा। और ये अभी डिव मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, और डिव क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी और हेड दोनों को ही क्लोज़ कर दूंगा। वो ये जो है यहाँ पे HTML को भी क्लोज़ कर दिया मैंने, तो ये मेरा जो बेसिक HTML का जो पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी CSS की फ़ाइल पे जाऊँगा। तो CSS की फ़ाइल पे जाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ब्राउज़र पे ये चीज़ कैसे शो करती है। तो यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है, और जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो कि नीचे जो है ये बड़ा एक अच्छा सा लुक दे रहा है। बस अभी हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, और इसको एक कंटेनर में लेके आना है, क्योंकि हमें एक अच्छा सा पेज चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम कभी भी हम अपनी CSS को यूज़ करते हैं तो हम बैकग्राउंड जो उसको सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले हम इसकी जो होल बॉडी होगी उसका जो बैकग्राउंड सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करने वाला हूँ, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के लिए कलर्स को यूज़ किया है। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं यहाँ पे 45 डिग्री जो है कलर यूज़ करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये बेसिकली वाइट और रेड का जो अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन होता है वो कलर्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपको कोई और कलर्स अच्छे लगते हैं तो आप वो कलर यूज़ कर सकते हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही कलर यूज़ करने हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि *FF00042 ये चीज़ क्या है, ये जो है कलर को ही डिफ़ाइन करता है हेक्स कोड में हम लिखा होता है। हेक्स कोड बेसिकली बाइनरी डिजिट होती है जिस तरह से हमारे पास, और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो हेक्स कोड होते हैं इसका जो कलर जो कोड है वो हम 16 इसका बेस होता है। तो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हो तो उसमें आप इसी कलर्स का यूज़ करते हो, क्योंकि ये जो कलर्स है कभी फेंट नहीं होते और ये काफ़ी अच्छा हमें लुक देते हैं हमारी वेबसाइट में। तो ये हमारी बॉडी का ये जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो मेरी मेन फाइल मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मेरी मेन बॉक्स नाम का जो फोल्डर है
तो ये मैंने एक क्लास बनाई हुई थी मेन बॉक्स के नाम की, तो इसमें हम सबसे पहले डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मेन बॉक्स में जो बैकग्राउंड है, वो जो मेन बॉक्स का बैकग्राउंड है मेरे को वाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हाइट है वो हम यहाँ पे 70 VH यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें एक सेंटर में एक अच्छा सा हमें बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद जो विड्थ है वो हम सेट कर देंगे यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे 140 VH रख दी है। तो उसके बाद हम जो है बॉक्स साइजिंग कर देंगे, बॉक्स साइजिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉक्स साइजिंग जो होती है वो बेसिकली बॉक्स का जो साइज़ है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जो बॉक्स की जो शेडो है वो हमें बैकग्राउंड पे शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे -5 pixel -5 pixel और 44 pixel यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूंगा। ये जो बेसिकली जो शेडो है ये टॉप डाउन और लेफ़्ट और राइट जो हमारी एक पूरी वो शो करता है, और हमें जो शेडो है वो किस कलर की चाहिए वो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन सेट करने वाला हूँ, और पोजीशन में मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पे भी पिक्चर है वो एग्जैक्ट हमें एक अच्छा सा लुक दे, हमें कोई लेफ़्ट नहीं करना कोई राइट नहीं करना। तो टॉप जो है वो मैं 80 pixel कर दूँगा, PX कर दूँगा, क्योंकि जो मुझे टॉप से जो वेबसाइट जो पेज है जो वेब पेज है वो टॉप से कितना चाहिए 80 pixel चाहिए, और जो लेफ़्ट से वो मेरे को 25 VH चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मेन बॉक्स की जो कोडिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है, और जो सेकंड मेरे पास मैंने क्लास बनाई थी .sec सेकंड नाम की, वहाँ पे भी हम यहाँ पे कुछ कोड कर लेंगे। तो फ्लोट मैंने राइट कर दिया है, बैकग्राउंड जो है यहाँ पे और मैंने रेड कर दिया, और ये रेड के लिए प्रॉपर्टी यूज़ किया। और इसके बाद हम यहाँ पे हाइट को सेट कर लेंगे कि हमें बेसिकली हाइट जो है वो 100% ही चाहिए। देन जो विड्थ है वो मेरे पास हम विड्थ कितनी यूज़ करेंगे वो हमने 450 पिक्सल यूज़ की हुई है यहाँ पे। तो अभी हम बॉर्डर यूज़ कर लेंगे, बॉर्डर यूज़ करने के लिए हम बॉर्डर का जो बॉटम है वहाँ पे यूज़ करेंगे कि बॉर्डर का बॉटम जो है वो हमें लेफ़्ट रेडियस कितना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस के स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई है, RADIUS होता है, तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। तो लेफ़्ट रेडियस जो है वो अभी यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँगा, तो उसको मैंने 50 VH कर दिया है। तो जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे आप देखोगे कि नीचे जो रेड कलर में मेरे पास आ रहा है तो वो एक पूरी एक राउंड सी शेप आ रही है, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है। बस अभी हमें इसको एडजस्ट करना है, अपनी जो मेरा मेन मैंने कंटेनर बनाया है उसमें मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो उसको एडजस्ट करने से पहले जो हमारी इमेज है उसकी हम पैडिंग और पोजीशन जो है इसकी वो हम सेट कर लेंगे। तो मैंने पैडिंग के बाद अभी पोजीशन के बारे में जो है वह आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे, हम जितनी भी पोजीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे सब में हम एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम विड्थ पे आते हैं, और विड्थ भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, और मैंने विड्थ यहाँ पे -5 pixel कर दिया है। विड्थ के बाद अभी मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा आप देखोगे कि जो मेरी इमेज है वो थोड़ी सी ऊपर जाना स्टार्ट कर गई है। तो इमेज के बाद तो इसी में हम विड्थ के बाद कुछ और भी जो टैग्स हैं वो यूज़ करेंगे, जो CSS के बेसिक्स है उसमें हम विड्थ के जो विड्थ है वो हमें अच्छे से नहीं दिया है उसने, तो जो विड्थ है वो सही से काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि विड्थ से वो जो है मेरी इमेज वो अच्छे से कवर नहीं हो पा रही है, जो शू है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम वहाँ पे राइट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम टॉप जो है इसका 25 pixel कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि जैसे मैंने टॉप जो है 25 pixel ऊपर से इमेज को 25 pixel किया तो ये मेरी इमेज है आएगी। तो इमेज के बाद हम यहाँ पे H1 टैग जो हमने यूज़ किया था उसका भी कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो H1 की सबसे पहले हम पोजीशन को सेट करेंगे, और जो पोजीशन है वो इसकी एब्सोल्यूट ही होगी। तो पोजीशन के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है उसे सेट कर लेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ जो मेरे को वहाँ पे 40 pixel चाहिए। फ़ॉन्ट के साइज़ के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली मेरे को फैंटेसी चाहिए, तो आप फैंटेसी यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली है। तो नहीं तो आप सैंस सेरिफ भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली होती है। तो उसके बाद हम फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो मेरे को बोल्ड चाहिए थोड़ा सा, मेरे को जितना आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा जो करेक्टर्स हैं वो थोड़े से उसकी मोटाई ज़्यादा चाहिए हमें। तो उसके बाद फ़ॉन्ट का जो वेट है वो 300 कर दिया हमने, और उसके बाद फ़ॉन्ट के वेट के बाद हम यहाँ पे
जो लेफ़्ट का पोर्शन है वो हम क्या करेंगे कि हमारा जो एच वन टैग है वो कितना हमें लेफ़्ट में चाहिए, तो वो हमें 140 पिक्सल लेफ़्ट में चाहिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये सारा वर्क कर रहा है। और वर्ड स्पेसिंग जो है वो मेरे को 10 पिक्सल चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्पान को भी थोड़ा सा कोड कर लेंगे और उसको भी डिज़ाइन करेंगे। तो स्पान का जो कलर है वो हमें रेड चाहिए, और जो वर्ड स्पेसिंग है वो हमें कितनी चाहिए, वो हमें 1 नहीं चाहिए, 10 पिक्सल हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा आप देखोगे कि हमारा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम जो है स्पान के बाद हम अपना नया टैग जो है वो उसे हम यूज़ करेंगे कि H3 भी हमने वहाँ पे यूज़ किया था, तो H3 की पोजीशन भी हमें एब्सोल्यूट चाहिए। और इसका जो टॉप है वो हमें 28 पिक्सल आप कर सकते हो, आप पिक्सल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे VH यूज़ कर रहा हूँ, ये जो बेसिकली हाइट के लिए यूज़ करते हैं हम। तो उसके बाद जो लेफ़्ट का पोर्शन है उसे हम डिसाइड कर लेंगे, ये हमने 140 पिक्सल किया। और जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो आपको कितना चाहिए वो आप अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जितना यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। मैं यहाँ पे 15 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जैसे नया वेब पेज बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए, वो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है कि कितना बड़ा आपको फ़ॉन्ट दिखेगा वहाँ पे, तो वो फ़ॉन्ट साइज़ हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट की फैमिली है, तो ये जो मैंने जैसे लिखा हुआ आप इसी को ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पूरी फ़ॉन्ट फैमिली है जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो ये एक जो है आप बोल सकते हो कि प्री डिफाइंड पहले से ही ये एक प्रॉपर्टी है जो फ़ॉन्ट फैमिली की मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो आप भी इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने लिखा है, एप्पल सिस्टम ब्लिंक मैक सिस्टम फॉन्ट, और उसके बाद सियोग UI। तो इसके बाद हम लास्ट में सैंस सेरिफ को भी यूज़ करेंगे, तो रोबोटक्स इसमें भी यूज़ करेंगे हम। तो इसमें जो बेसिकली जितनी हमारी हेडिंग टैग्स है उसमें ये सारी जितनी फ़ॉन्ट फैमिलीज हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कोड लिख लेता हूँ, आप भी इसको ऐसे लिखना, आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो बड़े ध्यान से इसको मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो इसके बाद एरियल भी एक तरह की हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली आती है, तो आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, ये तो काफ़ी एक बोल सकते हो कि बेसिक जो फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल, इसको हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम नोटोस एंड सेरिफ भी यूज़ करते हैं। तो आपको इसी को ही यूज़ करना है फ़ॉन्ट फैमिली। आगे भी एक हमारे पास एक ऐसा टैग आएगा जिसमें हम एक क्लास आएगी जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हो। तो अभी तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, मैं फर्दर जब आगे जाऊँगा तो बैक आगे फिर इसको कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इसको नेक्स्ट भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो है इसी फ़ॉन्ट फैमिली को फिर से यूज़ करना है। तो H3 टैग के बाद हम क्या करेंगे, हम एक वहाँ पे हमने क्लास जो है बनाई थी लेफ़्ट नाम की, कि लेफ़्ट में हमारे जो है वो कितनी हाइट चाहिए कितनी पैडिंग चाहिए वो सारी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हाइट जो है वो मेरे को 100% चाहिए, और जो विड्थ है वो मेरे को 100px चाहिए। तो पिक्सल के लिए हम यूज़ करते हैं 100px यूज़ करते हैं अब। और जो बॉर्डर रेडियस है, और ये हमें बताएगा कि हमें कितना राउंड का वो चाहिए, तो राउंड शेप में चाहिए, तो हम वहाँ पे 1px कर लेंगे। और जो सॉलिड और इसका जो कलर है वो आप हेक्स कोड यूज़ कर सकते हो, #D41A1AAB। और उसके बाद इसकी पोजीशन है वो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट ही यूज़ कर लूँगा। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि बच्चे जो है वो HTML का कोड तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन CSS में उनको काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको अच्छे से पता नहीं चल पाती। तो अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो CSS में आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो, क्योंकि अगर आपको CSS में कोई भी दिक्कत होगी तो आगे जब हम JavaScript या कोई और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, जहाँ कोई CSS का एडवांस वर्जन को भी यूज़ करेंगे, SCSS भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ होती है कि यार कि आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कोई बेसिक में अगर कोई चीज़ रह जाती है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है लास्ट में।
तो अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा जो समझाने का जो वे है वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिर भी कमेंट करके बताओगे कि सर आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। तो उसके बाद जो हमने ए टैग है उसको यूज़ करने वाले हैं, तो ए जो था वो एंकर टैग ही होता है। तो इसमें हमने कलर जो वाइट कर दिया है, पैडिंग मैंने 28 पिक्सल कर दिया, मार्जिन जो टॉप से -3 पिक्सल किया है, और टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैंने नन कर दिया है। टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली होती है कि जो कई बार हम लिंक क्रिएट करते हैं और नीचे एक लाइन आ जाती है, तो उस लाइन को अवॉइड करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। और जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है हमें यहाँ पे भी बोल्ड ही चाहिए। और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो ऊपर में आप कॉपी करके और इसको नीचे पेस्ट कर सकते हो, मैंने वही सेम ही यूज़ की है। उसके बाद जो मेरा साइन टैग है उसको हम यूज़ करेंगे। साइन में हमने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड ही यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड जो मेरे को अच्छा लगता है वो वाइट ही है, क्योंकि वाइट और रेड की काफ़ी अच्छी कॉम्बो बन जाता है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड वाइट चाहिए और जो कलर है वो हमें रेड चाहिए। तो ये था हमें साइन का पोर्शन। उसके बाद जो है बॉर्डर, और जो बॉर्डर का जो रेडियस है वो हमें कितना चाहिए वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, ये हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि डेवलपर के दिमाग में सारी चीज़ें आनी चाहिए कि बॉर्डर का रेडियस कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो कैलकुलेशन बेस्ड भी होती है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर या रेडियस जो है वो 30 पिक्सल कर रहा हूँ, तो आप 30 पिक्सल कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा बॉर्डर और चाहिए, तो आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो वो आप जब साइट को देखोगे कि या वेब पेज को रियल में आप एनालाइज़ करोगे कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पैडिंग जो है 9 पिक्सल कर दिया है। साइन के बाद मेरे पास कुछ बटन्स हैं, हमने यूज़ किए थे बटन जो है B1 और B2 भी यूज़ किए थे। और पहले हम बटन को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, उसके बाद BTN1 और BTN2 को भी हम जो है डिज़ाइन कर लेंगे। तो बटन में सबसे पहले हमने यहाँ पे कलर जो है वो रेड कर दिया है, और जो बॉर्डर का रेडियस है वो 30 पिक्सल कर दिया। बॉर्डर का जो कलर है वो हमें रेड चाहिए। उसके बाद हम हाइट जो है वो भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे कि हमें जो बटन है वो कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, तो वो हमें 5 VH उसकी हाइट चाहिए। उसके बाद जो विड्थ है वो हमें कितनी चाहिए, तो विड्थ के बारे में भी आपको बता दूंगा कि विड्थ जो उसकी चौड़ाई होती है, तो वो हमें 20 VH यूज़ करें हम यहाँ पे। तो विड्थ के बाद हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं कि पैडिंग क्या होती है, जहाँ मार्जिन क्या होता है, तो इस पे मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक अलग से नई वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ की है। पोजीशन के बाद हम यहाँ पे टॉप जो है ये कितना मेरा बटन है टॉप से कितना नीचे होगा, तो ये हम मैंने यहाँ पे 50 VH कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम BTN जो 1 क्लास थी उसको भी यहाँ पे हम जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले उसकी पोजीशन है वो उसको एब्सोल्यूट कर दूंगा, उसका बैकग्राउंड कलर और उसका जो कलर है उसी को चेंज करूंगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं उसको बता दूंगा कि वो मुझे लेफ़्ट से कितना दूर चाहिए, वो मुझे 19 VH चाहिए। तो अगर आपको अब हम देखेंगे कि ये जो है अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। उसका बैकग्राउंड जो मैंने रेड कर दिया और जो कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ, और मैं इसको अभी सेव कर लूँगा और ऐसे ही इसी को ही कॉपी करूँगा। और बटन जैसे मैंने वहाँ पे 1 यूज़ किया है, तो मैं वहाँ पे BTN2 यूज़ कर लूँगा। तो मैंने BTN अभी ये फ़िलहाल के लिए तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ब्रांड का नेम जो मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन फॉर टेक लिया था उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। BTN2 को बाद में हम कर लेंगे। तो ब्रांड नेम के बाद मैंने कलर को रेड सेट कर दिया है, और जो पोजीशन है वो हमने एब्सोल्यूट ही रखी है। हमने शुरू से ही आप देख रहे हो कि हम जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट ही रख रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वो हमें एक परफेक्ट एक पोजीशन पे हमें मिल जाती है। उसके बाद लेफ़्ट जो है वो हम 5 पिक्सल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि लेफ़्ट से हमारा ब्रांड नेम कितना चाहिए, 5 पिक्सल चाहिए। और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पे फैंटेसी ही हम यूज़ करेंगे। फैंटेसी एक अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली होती है। तो उसके बाद जो फ़ॉन्ट
फैमिली हमने पहले ही यूज़ कर लिया, लेकिन अभी हम फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसके बारे में बता देंगे कि हमें फ़ॉन्ट का साइज़ 35 पिक्सल चाहिए। फ़ॉन्ट का जो साइज़ के बाद हम यहाँ पे टॉप के बारे में बताएंगे कि हमें टॉप से जो हमारा ब्रांड नेम है वो कितना चाहिए। -30 पिक्सल हमने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर दिया है। ब्रांड नेम के बाद हम टैग्स को भी जो है वो भी डेकोरेट कर लेंगे, तो उसकी भी पोजीशन हम एब्सोल्यूट ही रखेंगे। तो टैग की पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दी है, और उसके बाद जो लेफ़्ट है पोजीशन का जो लेफ़्ट है वो हमने यहाँ पे टैग का लेफ़्ट 8 पिक्सल कर दिया है। px हम यूज़ करते हैं पिक्सल के लिए, मैंने पहले भी बताया है। और टॉप के लिए 40 पिक्सल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हमें जो टैग की जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमें डेकोरेट करने के लिए जो जो हमें ज़रूरत थी जिन जिन css की, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। उसके बाद जो हमने वहाँ पे एक आइकन यूज़ किया था FA शॉपिंग नाम की हमने क्लास बनाई थी, वो आइकन का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर लेंगे, और जो उसकी पोजीशन है वो भी हम यहाँ पे एब्सोल्यूट ही कर देंगे। तो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दी है यहाँ पे। एब्सोल्यूट करने के बाद नीचे हम बताएंगे कि टॉप से हमें ये कितना नीचे चाहिए, तो हम 40 VH कर दिया मैंने यहाँ पे। तो उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ है वो हम डिफ़ाइन कर देंगे कि फ़ॉन्ट का कितना साइज़ चाहिए हमें, वो हमने 40 पिक्सल कर दिया है फ़ॉन्ट का साइज़, और जो इसका कलर है वो रेड चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिकली सारा कोड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको लगता है कि ये कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वो यहाँ पे ये HTML का कोड है, यहाँ पे हमने सारा कोड आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे अगर आपका कोई कोड छूट गया तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हो। तो कलर्स यहाँ पे बटन्स भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो बटन्स के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो बटन का वो हमने सेट नहीं किया था, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम वाइट कर देंगे यहाँ पे और इसको सेव कर लेंगे। और जैसे इसको सेव कर लूँगा तो हम अभी अपने वेब ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो कि इसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पे जो शॉप नाउ और गेट नाउ में डिफरेंस ज़्यादा है। सॉल्यूशन फॉर टेक जो है उसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उसका भी हम जो हमने फॉन्ट साइज़ है उसको भी स्मॉल करेंगे। और कौन सी दिक्कत आ रही है? और तो अभी कोई नहीं आ रही है। तो यही बेसिकली ये 2-3 दिक्कत्स है यहाँ पे हमें हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपनी सब लाइन पे दोबारा चलेंगे और वहाँ पे जाके ये जो हमने यहाँ पे जो साइज़ है इनको हम फिर से थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि वहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे लुक आ पाए। तो वहाँ पे हम अपनी सब लाइन पे आ चुके हैं। तो सब लाइन पे आने के बाद हम यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ और जो फोन, तो हमने यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है कि हमने बटन क्लास बी बटन 1 तो यूज़ कर लिया, लेकिन BTN 1 2 तो हमने यूज़ किया ही नहीं है। तो हम वहाँ पे BTN 2 भी यूज़ करेंगे। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। तो आप यहाँ पे BTN 2 यूज़ करोगे क्योंकि मैं BTN 1 यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे आप BTN 2 यूज़ करोगे तो इसका हमें अभी जो है यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करूँगा। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी लेकिन ये मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे स्किप कर गई। तो यहाँ पे BTN 2 कर दूँगा, और इसकी जो बैकग्राउंड और पोजीशन जो है लेफ़्ट है इसको भी मैं चेंज कर दूँगा। लेफ़्ट मैं 22 VH कर दूँगा, और इसका बैकग्राउंड मैं वाइट और जो इसका कलर है वो रेड कर दूँगा। बटन 1 और बटन 2 दोनों एक दूसरे के ओपोजिट ही वर्क करेंगे यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा और तो हम इसका जो लेफ़्ट से मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूंगा। मैंने यहाँ पे पहले 22 यूज़ किया था, तो अभी मैं यहाँ पे 42 यूज़ कर रहा हूँ। और आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये परफेक्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। तो अभी हमें ये सॉल्यूशन फॉर टैग है उसी को ही चेंज करना है, सिर्फ वही हमारे पास एक ऐसा रह गया ब्रांड नेम। उसका भी जो फॉन्ट का साइज़ है वो भी हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे, और यहाँ पे मैं 12 पिक्सल इसको कर दूंगा। और जैसे इसको मैं
रिफ़्रेश करूँगा, लेकिन ये मेरा बॉक्स से बाहर चला गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने टॉप -30 पिक्सल किया था और टॉप को भी मैंने यहाँ पे हमें वो रिड्यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ आप टॉप को भी थोड़ा सा रिड्यूज़ कर दोगे, तो उसके बाद जैसे ही आप रिड्यूस कर लोगे तो मैं फिर भी आपको एक बार HTML का पेज दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया है, आप भी उसको चेंज कर लो तो ये काफ़ी अच्छा बेटर आपके लिए है। तो उसके बाद ये सारा कोड एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे सारा कोड यूज़ किया है। तो जैसे जैसे हमने ये सारा कोड यूज़ किया है वैसे वैसे जो है वहाँ पे हमें जो वेब पेज है उसमें जो चेंजेस है वो होते रहे हैं वहाँ पे। तो नीचे हम चलते हैं, तो बटन 1 और बटन 2 भी आपने देखा था मैंने यहाँ पे इसको बना लिया था, और जो ब्रांड का नेम था वो मैंने पहले यहाँ पे अभी चेंज कर दिया है, -18 पिक्सल है। तो आप देखोगे कि एक बड़ा अच्छा सा लुक हमारी वेबसाइट का आने वाला है। और आप ये देख रहे हो कि सॉल्यूशन फॉर टेक भी सही आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमने टॉप जो पहले थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने वहाँ पे -28 VH कर दिया। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो और ये हमें एक परफेक्ट लुक दे रहा है एक साइट का। तो अगर आप जो है इसका बैकग्राउंड भी कुछ सेट करना चाहते हो तो आप इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो कि इस पेज के बैकग्राउंड पे हमें ये कौन सा कलर चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। जैसे हमने बॉडी को यूज़ किया था, बॉडी में आप वहाँ पे कलर या बैकग्राउंड कलर रेड या ब्लू और ब्लैक कर सकते थे। तो ये एक पूरा डिफाइन हो चुका है। सो ये हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमने साइनअप का पेज भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और कॉन्टैक्ट पेज है हमारे पास, अबाउट का पेज है, रिव्यू का पेज है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉल्यूशन फॉर टेक।